आज कोई कह रहा था गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है लगी नहीं रिया की होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चक्री वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है, बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई, आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे, आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता, तुम घर से बाहर नहीं निकलते, अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमत्ता के कारण आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया तुम कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है, आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भावों से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था, कौन सी होली कर दी थी, महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो थोड़ा सा, भले एक बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ, शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ, शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ, केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो, ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था, अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर एक लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे, सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी। 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मन कामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे।
बाबा देव अधिदेव महादेव पहुंचेगा। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से, कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं, और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति, अपने अपने शिवालय में जाकर मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है, ये तो 5 मंदिर जाते हैं एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं, 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को एक लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है, बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखिए। हर हर महादेव। बुआ गलत नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म में आज भी अगर उस डूंडा ने प्रहलाद को जला दिया होता तो कोई होली की पूजन भी नहीं करता, करता? आज भी हिंदू धर्म में होली की पूजन 2 बार होती है, एक होली जलने से पहले, एक होली जल जाती है उसके बाद। होली जलने से पहले होती है बुआ की पूजन, क्योंकि तूने बहुत अच्छा काम करा जो अपने भतीजे को बचा लिया, और होली जलने के बाद होती है प्रहलाद की पूजन। होती कि नहीं होती होली? और होली क्यों कहा तुमने? होली का कारण क्या? होली नाम कैसे पड़ा? उसका कारण है ये राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। पर मंगरूल नाथ वालों, तुमने उनकी बहन का नाम धर दिया हो, बड़ा गजब करा। क्या नाम था? डूंडा। होली का ना होली। भगवान भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का दिया। पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महा